नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। आईएमए द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं को प्लेसिबो कहने के क्रम में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा ने पूरे देश में अपना विरोध दर्ज कराया। इसी क्रम में आजमगढ़ नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डीडी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक के जनमानस जीवन रक्षण हेतु आयुर्वेद के प्रति सकारात्मक सहयोग एवं देश हित में न्यायोचित चिकित्सा व्यवस्था के प्रदत्त करने के प्रशंसनीय प्रयास की बारंबार सराहना करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। देश में समस्त चिकित्सा पद्धतियों पर निष्फल एकाधिपत्य जगाने वाला एक चिकित्सा संगठन गलतफहमी का शिकार हो, अकारण विदेश की भावना से अभिभूत देश के गौरवमयी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को उत्थान और विकास से वंचित रखने की असफल कोशिश में प्रयासरत है। आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, केवल लाक्षणिक चिकित्सा और आपातकालीन सेवा नहीं है। आईएमए द्वारा आयुर्वेदिक औषधि को प्लेसिबो अर्थात कूट वैसज्य कहना और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद के साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रोटोकॉल जारी करने को अवैज्ञानिक असंवैधानिक की संज्ञा देना निंदनीय ही नहीं मानवीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, जिसे हमारा राष्ट्रीय संगठन कड़े शब्दों में भत्सना करता है। क्या कुछ कहा डॉक्टर रेड्डी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आईएमए द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं को प्लेसिबो कहने के विरोध में आज नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा पूरे देश में जिले स्तर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ में हमने आईएमए के इस कथन का, इस कृत्य का भरपूर विरोध किया है, उसकी निंदा की है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी और आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक जी के प्रयासों को आईएमए इस तरह से अगर नकार रहा है, इस तरह से उसकी अवहेलना कर रहा है, तो ये बहुत ही कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि कोरोना के काल में, इस वैश्विक महामारी में आयुर्वेद की दवाओं से ही लोगों के स्वास्थ्य रक्षण हुए हैं। आज हमारे यहाँ जो मृत्यु दर कम है, इसका बहुत बड़ा कारण हमारे आयुर्वेद की दवाएं हैं, जिससे हमने इम्यूनिटी को बढ़ाया और लोगों को बीमार होने से बचाया है। आयुष काढ़ा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस प्रकार की परिप्रेक्ष्य में जब पूरी दुनिया आयुर्वेद को मानने लगी है, एक संगठन सिर्फ इसलिए कि कहीं उसका वर्चस्व कम न हो जाए और एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति को जो सर्वमान्य है, सर्वविदित है, उसको प्लेसिबो कहना, यह दर्शा रहा है कि वो किस हद तक अपने को व्यवसायीकरण की तरफ ले गए हैं। इस कृत्य का, उस संगठन का हम विरोध करते हैं, हम निंदा करते हैं और आज अपने राष्ट्रीय संगठन नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के साथ आजमगढ़ की पूरी नीमा के लोग इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद।